किसान साथियों नमस्कार। साथियों, जब सामने सोयाबीन की फसल देख पा रहे हैं, इसमें फूल जो आ रहे हैं, ये साथियों NRC 127 सोयाबीन है, जिसकी बुआई हुई थी लगभग 4 जुलाई 2023 को, और आज है, आज दिनांक 25 अगस्त 2023, यानी कि इसको 4 जुलाई से 4 अगस्त एक महीना और लगभग 1 महीना और 20 दिन हो चुके हैं, यानी कि 50 दिन की सोयाबीन हो चुकी है। और आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर तक फूल देख रहे हैं। और साथियों, इस वैरायटी में शुरुआत में हमको लगा था कि ये कोई ख़ास वैरायटी इतनी है नहीं, दमदार वैरायटी, यानी कि शुरुआत में हमको भी थोड़ा इसमें डाउट लग रहा था कि यार ये होगी कि नहीं होगी, इसकी पैदावार कैसी क्या होगी, हाइट क्या होगी, और ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो फिर दिक्कत क्या आ सकती हो, टोटल चीज़ का हमें भी थोड़ा असमंजस था, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में लगभग अभी आई है वैरायटी, बाकी वैरायटी तो पुरानी हो चुकी है, बाकी हमारे क्षेत्र में अभी आई है साथियों। और इसमें काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है अभी भी, और इसमें फ्लावरिंग की अगर बात करूँ तो फ्लावरिंग में आपको दिखा देता हूँ कि फ्लावरिंग किस प्रकार से इसमें सोयाबीन में हो रही है, तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस प्रकार से इसमें फ्लावरिंग हो रही है साथियों, इस प्रकार से, यानी कि फ्लावरिंग आप देख सकते हैं साथियों, काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग है और पौधा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, और उसमें ऊपर तक फ्लावरिंग हो रही है इस प्रकार से, नीचे की फ्लावरिंग आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से नीचे की फ्लावरिंग हो रही है। और साथियों, ये थोड़ी लेट वैरायटी है, यानी कि अगर आप गेहूँ लगाते हैं तो उसकी जगह आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, गेहूँ हो गया, लहसुन वगैरह, लेकिन आप जो लेट वैरायटी कुछ भी चीज़ें लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी साबित हो सकती है। और अगर पैदावार की बात की जाए तो साथियों, अभी तक अनुमानित पैदावार जो है वो 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है, यानी कि एक बीघा के लगभग 6 क्विंटल, 5 से 6 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार अनुमानित की गई है साथियों। और इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा कीट का या फिर इल्ली वगैरह का, रिंग कटर का ज़्यादा प्रकोप होता नहीं है। हमने भी इसमें सिर्फ एक बार खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है, और यूरिया भी अभी फूल आने से पहले ही हमने इसमें डाला है, यानी कि इसमें ना तो ज़्यादा खाद दिया है और ना ही ज़्यादा स्प्रे किया है और ना ही कोई दूसरी चीज़ इसमें छिड़काव की है साथ। और आप फ्लावरिंग आपने वीडियो में देखा ही है, और दिखा देता हूँ मैं आपको इस प्रकार से इसकी फ्लावरिंग हो रही है, और काफ़ी जो कि काफ़ी अच्छी है, और ये थोड़ी लेट वैरायटी होने के हिसाब से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और हमारे 95-60 या फिर 20-34 में तो फलियां आ गई है और कई कई दाने भरने लगे हैं, बाकी ये लेट वैरायटी होने की वजह से ही इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। और साथियों, अगर इसमें ज़्यादा पानी हो तो भी चल जाता है, और अगर कम बारिश हो यानी कि कम पानी गिरता है तो भी इसमें अच्छा पैदावार देखने को मिल सकती है। तो साथियों, ये थी NRC 127 की 50 दिन की स्थिति, और आप वीडियो में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, फूल इस प्रकार से ऊपर तक इसमें फूल दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से साथियों, इसमें ऊपर तक फ्लावरिंग दिखाई दे रही है, बाकी जो हमारी 95-60 या फिर 20-34 जो वेराइटियाँ होती है उसमें दूर से फूल दिखाई नहीं देते हैं, और उसमें हाइट छोटी होती है तो उसमें
फ्लावरिंग भी कम ही देखने को मिलती है। एनआरसी या फिर आरवीएस वगैरह जो ये बड़ी वेराइटियाँ हैं इनके मुकाबले 95-60 और दूसरी इन वेराइटियों में फ्लावरिंग थोड़ी कम आती है, तो फाल भी इसमें कम आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी सोयाबीन हाइट कितनी ले रही है और उसमें फूल कैसे आ रहे हैं और फूल कैसे आ रहे हैं, सबसे फिर आपकी पैदावार निर्धारित होती है। सारी ये मैं खेत के बाहर आ चुका हूँ और ये एक पौधा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हालांकि छाँव में है ये पौधा, छाँव में है, ये ऊपर बांस का पेड़ है तो इसके नीचे छाँव में पौधा है, फिर भी आप इसमें फ्लावरिंग देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से इसमें साथियों फ्लावरिंग हो रही है ऊपर तक। तो साथियों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे कि कैसे क्या होता है और कितनी पैदावार निकलती है और कौन कौन सी दवाई का छिड़काव करते हैं। वैसे तो हमने अभी तक कोई दवाई का छिड़काव किया नहीं है, बाकी हम आपको समय समय पर इसकी हर अपडेट देते रहेंगे। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।